अभी अभी क्या चेंज किया था? अभी डायोड चेंज किया था? अभी मैंने 7812 वही वाला वापस लगा दिया है। अच्छा, और वो ये डायोड 4004 लगाया था सर? 4004 निकाल के 2007 कर दिया ना, तो वोल्टेज पूरा आने लग गया। बाकी वो डायोड है ना, उड़ गया। उड़ गया, फट गया, ये देखो। ठीक है, कोई बात नहीं। उड़ने दे, कोई बात नहीं। अब जो है ये डायोड फिर से निकाल और 7812 फिर से निकाल और नया लगा दे। ये 7812 और वो जो ओरिजिनल वाला डायोड था ना, एक जुम में ओरिजिनल वाला डायोड, हाँ वो लगा दे इस बार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रिक इंडिया। और आज मैं एक एक्जूम चार्जर में फोन पे रिपेयरिंग करा रहा हूँ। उस पर 7812 से वोल्टेज नहीं निकल रहा था, और निकल भी रहा था तो 4 वोल्ट है। उसको पूरी तरह से ओके करके दिखाया हूँ, आप उसके देखिए पूरी तरह वीडियो, बिल्कुल सही है। इसने कोर्स भी करके दिया था और फिर भी एक ऐसा प्रॉब्लम थी कि वो बार बार फंस जा रहा था, तो वो मैंने सोल्व कराया हूँ। आप भी सीख सकते हैं ऐसे हमारे पास आकर। हम ये सारे चीज़ सिखाते हैं, चाहे वो एलईडी टीवी हो, इन्वर्टर हो, वेल्डिंग मशीन हो, या ई रिक्शा मोटर कंट्रोलर चार्जर हो, लिथियम बैटरी असेंबल करना हो, ये सारी चीज़ सिखाते हैं। आप आइए, सीखने की 100% गारंटी है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ, क्या हुआ इसमें सर? ये देखो, मैं चेक करवाता हूँ आपको। अरे हुआ क्या, शुरू से बताइए तब ना, क्या हुआ? इतना मारुआ पहले, हुआ क्या ये बता। इसमें सर है ना, 12 वोल्ट नहीं निकाल रहा, बस 12 वोल्ट नहीं निकाल रहा है ना। हाँ, नहीं निकाल रहा। तो 60 वोल्ट निकाल रहा? हाँ सर, ये देखो, ये यहाँ पर है ना, अपन ने यहाँ पर चेक करा, ठीक है। नाम बता, 47 वोल्ट। नाम बता, 48 वोल्ट जो अपन बैटरी से कनेक्ट करते ना, हाँ, वो आ रहा है। अरे वो आ रही है, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज निकल रही है कि नहीं? अच्छा निकल रही है ना, निकल रही है ना सर। हाँ, नहीं कहाँ पे चेक किया है? अब ये यहाँ कहाँ पे चेक कर रही है? ये यहाँ से ना मैंने 4004 डायोड भी लगा दिया और ये अपना ये 7812 भी कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये देखो ये यहाँ पर वो वोल्टेज बना ही 1 वोल्ट और ये यहाँ पर भी नहीं बन रही है। अरे 7812 पे जो वोल्टेज आ रहा है वो डायोड पे वोल्टेज बन रहा सर? डायोड पे ही नहीं बन रहा ना, ये देखो 1 वोल्ट बन रहा है अभी, 1 वोल्ट बन रही है, 1 ही वोल्ट बन रही है। तो ये 7812 जो है ना, इसके हटा दो। हटाऊं? हाँ हटा दे, तीनों पिन हटा दे सर, 1 मिनट। अच्छा अब निकाल दिया सर? ये देखो, ये हटा दिया मैंने। कहाँ हटा दिया? अब ये देखो वोल्टेज चेक कर रहा हूँ मैं। और आदमी को हाथ में देने का बोला हूँ। अरे मेरी बात सुन, पहले जहाँ हटाया कुछ वहाँ तो कुछ देखते ही दिखाते ही नहीं है। बार बार तो मीटर दिखा, मीटर मत दिखाया कर, मीटर में बोलेगा मैं समझ जाऊंगा। 7812 पे दिखा क्या क्या किया है, और सामने लेके जा सर। ये देखो, ये 7812 लगाया है, ये इसका ग्राउंड है बीच वाला, ठीक है, और मुझे, ये इसमें जुड़ेगा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। आप दिख रही है? ये दिन मेरी बात सुन, 7812 के बीच वाली टांग कहाँ पे लग रही है? ये बीच में ही लग रही है सर, बीच में लग रही है। तो उसका जो बीच में है ना, उससे एक डायोड लगा के ग्राउंड में जा रही है, वो ठीक लग रही है सर? ये ग्राउंड मैंने चेक करा था, इसमें ग्राउंड आ रही है बिल्कुल बकायदा। नहीं नहीं, डायोड लग के जा रही है रे, डायोड के डायरेक्ट करेगा तो नहीं चलेगा, डायरेक्ट डायोड लगा के देना है सर। ये देखो, एक चीज बताता हूँ आपको, ये मैंने बैटरी से डायरेक्ट माइनस हटाया और पहले इसमें लगाया बैटरी का वो मल्टीमीटर का माइनस बीच में, और मैंने 48 वोल्ट चेक करा है तो डायरेक्ट आ रहा है, मतलब वोल्टेज भी बता रही है, मतलब माइनस आ रहा है इसमें, ग्राउंड आ रहा है। अरे मेरी बात सुन भाई मेरे, जो बीच वाली टांग है उस पे एक डायोड लग के गया है ग्राउंड पे, अगर डायरेक्ट ग्राउंड से है तो नहीं चलेगा, मतलब कंटिन्यूटी बज रहा है डायोड से। एक मिनट, ये देखो
सर ये मल्टीमीटर है, ठीक है, बैटरी बंद करके मैं दिखाता हूँ, बैटरी बंद करके ये इसका लगाया अपन ने ग्राउंड और ये लगाया यहाँ पर, तो ये देखो वोल्टेज दिखा दिया है मल्टीमीटर में। अरे कहाँ दिख रही है, अरे ठीक है कहाँ दिख रही है, कितना वोल्ट दिख रही है, ये 47.7 दिख रही है। अरे तू पहले फोन किसी और को पकड़वा ले बाबू, ऐसे समझ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है पहले फोन किसी और से, वहाँ पे चेक करने की जरूरत क्या है, जो बार बार वहाँ चेक करता रहता है, जो मैं 78-12 के पास बोल रहा हूँ तो तू इधर उधर चेक कर रहा है यार। अरे सर 78-12 पे तो चेक कर रहा हूँ, तो 78-12 के तू बीच का निगेटिव चेक कर रहा है। तो ये चेक कर लिया, ये तो आ रही है ना सर। बात समझता नहीं, देखो मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनेगा तो फोन काट दूंगा। जो मैं कह रहा हूँ 78-12 को बोला था अभी हटाने के लिए, तूने हटाया नहीं है ना, नहीं हटाया ना, पूरा ही हटा दो सर, एक टांग दो टांग हटा, बार बार के दोनों टांग हटा दे सर, दो टांग हटा दी ना आजू बाजू की, हटा दी ये आजू बाजू की हटी है ना, साइड साइड की दोनों हटी है, ये वाली भी हटी है, अच्छा ये वाली हटी है और ये वाली भी हटी है, ये अच्छा तो टेढ़ा है। हाँ सर उसको टेढ़ा कर रखा है मैंने। ये सुन सुन मेरी बात सुन, एक मीटर की तार ग्राउंड पे लगाओ परमानेंट के लिए, परमानेंट के लिए। हाँ सर वो तो लगी थी, एक ही हाथ से कर रहा है क्या, किसी को दिखा था नहीं। हाँ सर लगा दी। और लाल वाली मीटर की तार जो है उसके 78-12 जो इनपुट है ना उस पे लगा, 78-12 का जो इनपुट पिन है, 78-12 के नीचे वाला प्रिंट वाला हाँ, इनपुट पिन कौन सा है ये, हाँ कितना आया सर उसका प्रिंट, उखड़ गया है ये देखो सर ये प्रिंट उखड़ गया है। हाँ तो कितना आ रहा है डायोड पे, कितना आ रहा है डायोड पे, 4.3 वोल्ट आ रहा है, 4004 डायोड लगा रखा है मैंने, और रिले पे 64 वोल्ट आ रही है। हाँ रिले पे 64 वोल्ट आ रही है, बस ये यहाँ 12 वोल्ट नहीं निकल पा रही है सर, बस इतनी सी दिक्कत है। तो अभी अभी जो 4 वोल्ट निकल रहा है ना नीचे प्रिंट पे लगाओ, वहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ, कैपेसिटर फिल्टर करेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, लगाओ उसको प्रिंट पे, लगा पहले लगाओ सर। हाँ ठीक है लगाता हूँ, एक मिनट सर अब 11 वोल्ट बना है, एक मिनट। हाँ सर 11 वोल्ट बना, अच्छा अब डायरेक्ट लगा, सीरीज में लगा रखा है ना। हाँ सर डायरेक्ट लगा, सीरीज वीरीज नहीं है अपने पास, सीरीज वीरीज नहीं है, सीरीज नहीं है, हाँ डायरेक्ट सर। अच्छा तो 12 वोल्ट बन रहा है अभी, 11 बन रहा है, 11 अच्छा 11 बन रहा है, तो अब 78-12 का जोड़, 78-12 चेंज किया था क्या। हाँ सर ये चेंज कर रखा है अभी, तो अभी भी 12 की जगह पे 15-16 वोल्ट बनना चाहिए। कैपेसिटर एक और है ऊपर से लगा सकता है, ऊपर में एक कैपेसिटर लगा सकता है, एक बाहर टांग लगा देना, एक एसी के ऊपर लगा देना सर। आप एक 2 मिनट रुको, 2 मिनट सिर्फ, अरे इतना टाइम नहीं रे, चल 2 मिनट करके जो कल के बताया उसमें कैपेसिटर लगा देना, ठीक है ये 12-25 वोल्ट चला जाएगा। ये सर कितने मतलब कौन सा लगाना है कैपेसिटर बता दो मेरे को। ये 470 35 वोल्ट 50 वोल्ट लगाओ, 470 35 वोल्ट, हाँ 25 वोल्ट लगा दे, 25 नहीं 25 लगा दे, नहीं नहीं 25 नहीं लगाना, 35 लगाना, 25 तो उड़ जाएगा। ठीक है ठीक है, 470 35 वोल्ट, हाँ 35 40 50 कुछ भी लगा देना, ठीक है। हाँ मतलब 35 से ऊपर ही लगाना है या 35 लगाना है। हाँ ठीक, हाँ ठीक लगा के बताना। हाँ बिल्कुल। और सुन सुन ये जो डायोड है ना, ये जो डायोड जो लगा रखा है HER-207 है, अगर वोल्टेज नहीं बढ़ेगा तो ये HER-207 की जगह आपने ना FR-207 दे रखा है तो चलेगा ना। हाँ एक ही बात है, एक ही बात है। और ये 4004 डायोड नहीं है तेरे पास ओरिजिनल सर, 4004 डायोड मैंने मतलब ना नए चार्जर में से निकाला, ये देखो ये चार्जर पूरी 12 बजे रखी है मैंने, तो उससे उससे नया के नया चार्जर है सर, तो उससे से निकाला मैंने 4004। हाँ तो वो है सही है डायोड वो। हाँ सर चल्लू है ना चार्जर, तो वही लगा दे फिर, वही लगा दे, ठीक है ओरिजिनल ओरिजिनल रहेगा ना, लगा दे ठीक है, और वोल्टेज चेक करके बताना 2 मिनट में।
सर ये मैंने पूरा कंप्लीट तो कर दिया, ये FR 207 लगाया था ना, पूरा चार्जर भी चालू हो गया, 15 वोल्ट भी आ गया आउटपुट में और 12 वोल्ट भी निकलने लग गया, लेकिन है ना अभी डायोड शॉर्ट हो गया थोड़ी देर में। अच्छा सुन मेरी बात, मेरी बात सुन, अभी अभी क्या चेंज किया था, अभी डायोड चेंज किया था? अभी मैंने 78-12 वही वाला वापस लगा दिया है। अच्छा, और वो ये डायोड चार्जर साथ लगाया था सर, 4004 निकाल के 2207 कर दिया ना तो वोल्टेज पूरा आने लग गया, बाकी वो डायोड है ना उड़ गया। ठीक है कोई बात नहीं, उड़ने दे कोई बात नहीं। अब जो है ये डायोड फिर से निकाल और 78-12 फिर से निकाल और नया लगा दे, ये 78-12 और वो जो ओरिजिनल वाला डायोड था ना एक जुम में, ओरिजिनल वाला डायोड हाँ वो लगा दे, इस बार वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ मतलब अभी 12 वोल्ट बन गया था लेकिन ये डायोड दोबारा उड़ गया, यही ना? हाँ 12 वोल्ट भी बन गया था और यहाँ पर आउटपुट में 15 वोल्ट भी आ गया था। अच्छा ठीक है, लेकिन डायोड उड़ गया। ठीक है कोई बात नहीं, डायोड चेंज करो, बोला ओरिजिनल लगा और ये 78-12 भी चेंज कर। ठीक है, क्योंकि ये खराब होगा तभी उड़ रहा है बार बार। ठीक है सर, मैं चेंज करूंगा। हाँ करो, क्या हुआ बोल। हेलो, हाँ हाँ सर चालू हो गया, ये चल रही है, बढ़िया चल रही है। क्या 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 चेंज किया था अभी 4004? हाँ सर इसमें 4004 डायोड लगाया और एक 78-12 चेंज कराया। अच्छा तो अब गर्म नहीं हो रहा ना? हाँ सर अभी चल रही है, बढ़िया है। अरे गर्म हो रही है नहीं हो रही है ये बता सर। गर्म नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अच्छा सामने फोटो लेके आओ, अबे सामने तू अपना फोटो लेके आ। अरे सर मैं गंदा हो रहा हूँ, नहाया नहीं मैंने सुबह से। आ तू कंबल कंबल ओढ़ के आ जा, कंबल ओढ़ के। हाँ बढ़िया दिख रहा है तू तो। है सर मेरा नाम तो भूल लो। हाँ तुम्हारा नाम क्या है सर? मेरा नाम जय कश्यप है, मैं इंदौर से हूँ। अच्छा इंदौर से, तो सारा काम करता है दुकान पे? हाँ सर बिल्कुल, ये देखो ये चार्जर पड़े हैं बहुत सारे, दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा सुनो, इंदौर पे कहाँ पे रहता है सर? इंदौर में मैं रहता हूँ फूटी कोटी पे। फूटी कोड़ी? हाँ फूटी कोटी, द्वारकापुरी। अच्छा द्वारकापुरी, फूटी फूटी सर ये देखो ये मेरी दुकान, ये देखो सर बैटरियाँ। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो तुम दुकान पे बुलाना चाहता है ग्राहक को? हाँ सर बिल्कुल आए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या काम कर लेता है सर? चार्जर और पूरी ई रिक्शा में तो सभी टोटली कुछ भी हो बोले पूरा अपन उसको रिपेयर कर देंगे, कुछ भी हो बोले कुछ। एक्सियम यूटिल कर लेता है ना? हाँ एक्सियम भी, एक्सियम चार्जर भी कर लेते हैं, यूपीएल भी। अभी से आया है अपना रैपिडोन का चार्जर है सर ये। अच्छा ठीक है, तुमने सर्टिफिकेट लगाया वहाँ पे दीवार में? सर अभी ये दुकान क्या मेन रोड पे लेके जाऊंगा, ये तो क्या मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो यहाँ पर सिर्फ सामान शिफ्ट कर रखा है। मेन रोड पे जाएंगे तो वहाँ पूरा व्यवस्थित लगाएंगे सब। तो अभी एड्रेस कहाँ का बताएगा सर? एड्रेस तो ये यही है ना, कोटी कोटी पे ही। कोटी कोटी से अपने को कोई भी फोन लगाता है तो अपन उसका फोन रिसीव करके बता देंगे कि कहाँ पर आना है, कहाँ पर नहीं आना है। 4040 नंबर भी बोल देता हूँ सर, 4040 इंदौर 111 4040 इंदौर। हाँ 4040 इंदौर। अच्छा ठीक है, ठीक है सर मेरा नंबर तो बोलने दो। हाँ बोलो। रुको सर मैं बता देता हूँ नंबर, 9111 3579। अच्छा ठीक है, ठीक है नंबर है। अच्छा ठीक है, काम के लिए तो आ सकता है। अच्छा ठीक है, आएंगे आएंगे सभी आएंगे, और तुम्हारा वो काम है अच्छा काम है, वो थोड़ा सा काम में फंस गया था, सही करता है। ठीक है, ठीक
किसी को भी कुछ भी काम हो 24 घंटे अपनी सुविधा उपलब्ध है, बस एक फोन लगाने की देरी है सर, हम पहुंच जाएंगे आपके पास। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू।